सर आज आप जो भी आज आपका डिस्कशन रहा उसमें आपने कहा कि लोगों को जुड़ना चाहिए, सरकारें तो लड़ाती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो महानदी जलबंटन को लेके, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो भी इश्यूज है, इसको लेके आप क्या पर्सपेक्टिव, क्या रोड मैप रहना चाहिए? देखिए, मैंने जो शब्द बोला मैं दोबारा दोहराता हूँ, राजनीतिक दल और राजनेता के लिए उनका वोट सर्वोपरि होता है और वोट के लिए वो अपने वोटर्स के बीच में लड़ाई करवाते हैं। वो लड़ाई कराते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, बाकी तो छत्तीसगढ़ के लोग और उड़ीसा के लोग एक जैसे हैं कल्चरली। तो मैंने ये कहा कि हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नदी के दायरे में फॉलो नहीं कर सकते। जब हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज में बंध जाते हैं तो नदी की हत्या हो जाती है। अभी जो झूठ चल रहा है महानदी को लेकर, महानदी में जिस तरीके से ऊपर पानी रोका गया वो उद्योगपतियों के पैसे से लेकर उद्योगपतियों को पानी देने के लिए रोका गया, ये बात एक तरह से सरकारें बोल नहीं रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि देखो हमारी महानदी को उद्योगपतियों को बेच दिया, उद्योगपतियों से पैसा ले लिया। मेरा कहना ये है कि इस सच्चाई को दोनों राज्यों की जनता को मिलकर, दोनों राज्यों के राजनेताओं को मिलकर जो सच है उसको सबके सामने रखना चाहिए। सर, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए, लेकिन जो सरकारें जो अपना राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, खास करके रमन सिंह बोलते हैं एक बूंद पानी भी हम आपका देने नहीं देंगे उड़ीसा को, और इस तरफ से नवीन पटनायक 2002 में स्वीकार किए थे वो कि वहाँ बैरेजेस बन रहा है, लेकिन 2016-17 में वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो स्लो रिएक्शन है नवीन पटनायक का या उनका जो एरोगेंस है रमन सिंह का, ये दोनों कहीं ना कहीं एक राजनीति की तरफ इंगित कर रहा है? यदि आपने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी हो तो उस बात के अंदर मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे स्वभाव में किसी पर कोई आरोप लगाना नहीं होता, इसलिए तुमने जो सवाल पूछा इस सवाल का जवाब मैंने बहुत सफाई से अच्छे से अपनी पहली बातचीत में दे दिया कि जब राजनेता अपने वोट को सर्वोपरि मानकर अपनी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को उभारने की कोशिश करते हैं तो फिर वो टाइम को, कालचक्र को, अपने शब्दों को, अपने स्टेटमेंट्स को, सबको भूल जाते हैं और फिर वो ये देखते हैं कि आज कौन सा मुद्दा है जिसको हम जोरों से उभारें और हमें उसमें गेन हो सके। इसलिए ये जो महानदी है इस वक्त वोट देने वाला मुद्दा बन गया है, इसलिए इस मुद्दे में दोनों तरफ से गलतियां हैं। राजेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, अब जिस जगह में खड़े हैं झारसुगुड़ा, यहाँ वेडन है, ईब है, और यहाँ जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर दो हैं झारसुगुड़ा और ईब वैली, यहाँ दोनों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है या जिस ढंग से नदी को प्रीमैच्योर पहले से ही मार दिया जा रहा है, इतना वेस्ट उसमें डल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि जिस ढंग से पानी तो किसानों के पास नहीं जा पाता क्योंकि पानी रहते हुए भी किसान पानी ले नहीं पाते, एक कॉरपोरेट संपत्ति बन गया है यहाँ मतलब नदी, और ये नदी मरते भी जा रहा है, तो झारसुगुड़ा वासियों को क्या करना चाहिए? झारसुगुड़ा वासियों को अपने सामुदायिक जल अधिकार के लिए संगठित होकर अपनी नदी में जहर घोलने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ संगठित होके काम करना चाहिए। देखो, बड़ा दुख की बात है, भारत में आपके हाथ में बंदूक है और आपने बंदूक उठा के केवल मेरी कमर में छुआ दी तो इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा हो जाएगा, और ये मुझे जो मेरा साफ सुथरा जीने का पानी है उस पानी में जहर घोलकर मुझे 3 महीने में यदि मार दे तो इनको जेल भी नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के कानून कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हत्यारों को, असली हत्यारों को हत्या का मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं है। मैं कहता हूं कि जो हमारे नदियों में क्रोमियम, मेक, मरकरी, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोक्स, डिफरेंट तरह की जहरीली गैसें डाल रहे हैं, वो हमारे हत्यारे हैं।
उन सब उद्योगों के खिलाफ हत्या के मुकदमे चलने चाहिए और वो देश की जेलों में बंद रहने चाहिए और ये कारखाने बंद होने चाहिए। जो भी हमारी नदियों में पानी, जहरीला पानी मिलाते हैं, उन कारखानों को चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लास्टली राजेंद्र जी, जिस ढंग से फ्लड वाटर का बहाव बढ़ते जा रहा है और जो एरिया बढ़ते जा रहा है फ्लड वाटर का, इंडिया में, इंडिया लेवल में देखा जाए कि फ्लड का एरिया धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, फ्लड से विनाश भी बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि जो फ्लड वाटर का जो लेवल बढ़ रहा है देश में, इसको लेके कितना आप चाहेंगे कि सरकार फ्लड वाटर मैनेजमेंट में आगे बढ़ के काम करे? देखो, जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के वक्त भारत की जितनी भूमि पर फ्लड आता था उससे 8 गुना ज़्यादा ज़मीन पर अब फ्लड आता है। और इस फ्लड को आने का कारण है कि पहाड़ नंगे होने के कारण, माइनिंग के कारण और ज़मीन पर जो डिस्ट्रक्शन है उसके कारण, ऊपर से इरोजन होके पानी के साथ रेत आके नदी में जमता जाता है, नदी का तल ऊपर उड़ जाता है और जब ऊपर से पानी आता है उसका फ्लड आता है। तो इरोजन और सिल्टिंग, ये हमारे फ्लड के रीज़न हैं। हम लोगों को इस देश में इरोजन और सिल्टिंग को रोकने के लिए अभियान चलाना चाहिए और उसके लिए हमने 15 मई से 15 अगस्त तक 3 महीने का एक वाटर लिटरेसी कैंपेन चलाया है, जो हमने कन्याकुमारी से काश्मीर, गोवा से गुवाहाटी और 101 यात्राएं, उड़ीसा से भी एक यात्रा जाएगी, पूरी इस तरह की यात्राएं 15 मई को बीजापुर कर्नाटक में मिल रही हैं। ये हमारा जल साक्षरता का कैंपेन है कि भारत को फ्लड और ड्राउट फ्री कंट्री बनाने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, वो सिखाने के लिए 3 दिन का सम्मेलन है, 16, 17 एंड 18 अगस्त एट बीजापुर इन कर्नाटका।